प्रयागराज भारत सेवा श्रम संघ के द्वारा इस संघ में चित्रकला, सिलाई तथा कढ़ाई प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। चित्रकला कला व सिलाई कढ़ाई का प्रतियोगिता में लगभग 398 पंजीकरण कराया और अब तो प्रतियोगिता में लगभग 180 बच्चे ही उपस्थित हुए और अपनी कला का रेखा चित्र प्रदर्शन किया है, दिए गए टॉपिक पर चित्र बनाया। इनमें चित्रकला जय जय है हसीन समीना इकबाल, आराधना पांडे तथा सुराही का है। जज है पूनम श्रीवास्तव तथा सहायक टीचरों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह टीचर है पूजा यादव, रेणु यादव, जय ब्रह्मा व आकाश सिंह। यह कार्यक्रम भारत सेवा श्रम संघ का वार्षिकोत्सव 10 से 13 अक्टूबर 2019 तक की 4 दिवसीय है, जिसमें प्रथम दिन बच्चों को छात्रवृत्ति तथा नए वस्त्र बांटे गए तथा बाढ़ पीड़ितों को भी नेवसे दिए गए। दतिया जिन दिन कला प्रतियोगिता व सिलाई कढ़ाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सिलाई की प्रतियोगिता हो रही है और भारत सेवा आश्रम में हो रही है। ये हमारे सिंधु विद्या मंदिर के बच्चे हैं और भारत सेवा आश्रम के खुद यहीं के सिंधु वाले बच्चे हैं और मैं सिंधु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मैं अध्यापिका हूँ और मैं यहाँ एज अ जज बन के आई हूँ और बहुत ही अच्छा बच्चे काम कर रहे हैं। परिचय आपका? पूनम श्रीवास्तव। आज की प्रतियोगिता में बच्चों ने कैसा प्रदर्शन दिखाया? बच्चों ने बहुत अच्छा बच्चे और आगे करेंगे कि हर साल यहाँ पे प्रतियोगिता होती है, उससे बच्चों को उत्साह बढ़ता है और बच्चे और अच्छा काम कर मेरा देखो। परिचय प्रतियोगिता आर्ट कंपटीशन है। भारत सेवा संघ विगत 25 वर्षों से यह कंपटीशन करवा रही है। इसमें शहर के 50 स्कूलों से बच्चे शामिल हुए हैं और साथ ही ये बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। साथ साथ आश्रम और भी कई प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उसका आगे की डेट निश्चित। किस किस विद्यालय में ये कला के बच्चे आए थे? इस विद्यालय में स्वामी विवेकानंद, जगत तारण, सिंधु विद्या मंदिर, नवीन महिला सेवा सदन, महिला सेवा सदन, सेवा समिति विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज एंग्लो बंगाली, सेंट जोसेफ आदि विभिन्न स्कूलों से, शहर के 50 स्कूलों से बच्चे आए। अपना परिचय? आकाश सिंह।